सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू यूट्यूब वीडियो मैं हूं एन शंकर और आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है सो so, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की कई ऐसी सर्विसेज़ के बारे में जो शायद आप लोगों को ना पता हो आईएएस आईपीएस आईएफएस ये सब तो सब ने सुना है लेकिन कुछ ऐसे सर्विसेज जैसे कि आई इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आई इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज कई ऐसी सर्विसेज़ हैं आज जिनके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस सबसे पहला इसके थ्रू आप सबसे बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं वो है सी जी ए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन होते हैं ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होते हैं टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है और अगर आप आई ए एस ऑफिसर हैं यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ये दूसरी सर्विस है इसके थ्रू आप सबसे हाईएस्ट पोजीशन पाते हैं किसकी कैग की कॉम्टोलर एंड ऑडिटर जनरल की देखिए 1976 में ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को सेपरेट किया गया था तभी ये दो ऑफिस बने सी जी ए और सी ए जी और दो सर्विसेज के थ्रू ठीक है आई सी एस का हाइस्ट पोजिशन क्या हो गया सी जी ए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और आई ए एस का हाइस्ट ऑफिस सी ए जी कैग नेक्स्ट सर्विसेज हैं आई डी एस इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज ये आर्मी नेवी एयरफोर्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बी आर ओ आर डी ओ इन सब की फाइनेंस विजिलेंस और ऑडिट को देखता है इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज मैनेज करता है सिविल अफेयर्स ऑफ कैंटोनमेंट्स एंड डिफेंस लैंड इन कंट्री जितनी भी कैंटोनमेंट्स होंगी मान लीजिए जैसे दिल्ली कैंट है उसमें एयरफोर्स स्टेशन है तो उसके अंदर की जितनी भी सिविल सर्विसज या फिर जितने भी सिविल अफेयर्स होंगे उनको कौन देखेगा इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज नेक्स्ट सर्विस है इंडियन कॉपरेट लॉ सर्विस ये लास्ट सर्विस है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कॉपोरेट लॉ सर्विस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेट अफेयर्स के अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये कंपनीज एक्ट एल एक्ट पार्टनरशिप एक्ट इन सब पे बेस्ड है इसकी हाइस्ट पोजिशन क्या होगी मेम्बर ऑफ एन या फिर अनकलैक्ट यंगेस्ट सर्विस है ये यूपीएससी में इसे ऐड किया गया था 2009 में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये काम करता है कई यू नो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जैसे कि सी सी आई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आई पी एफ ए इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एस एफ आई ओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ठीक है इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स को देखता है ये और लॉ में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ऑफिसर्स जो हैं उन्हें एनएलयू बैंगलोर जैसे यूनिवर्सिटीज़ कॉपरेट एंड बिजनेस लॉज में डिप्लोमा भी ऑफर करते हैं सो so, ये थी आज की वीडियो आई होप यू लर्न समथिंग एंड इफ यू डिड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच कमेंट डाउन इफ़ यू हैव अ क्वेरी आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय